जीवन में सबसे बड़ी खुशी बांटने से मिलती है और किसी के चेहरे पर उस समय असीमित खुशी दिखाई देती है जब उसे कुछ ऐसा मिले जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की हो। इसी ध्येय की पूर्ति है तो अफ्सा के द्वारा बालिकाओं को 3 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि अपनी स्नातक शिक्षा पूरी कर वे ऊंची उड़ान भर सकें। इस प्रकार के आदर्श व परोपकारी कार्यों को करने वाली भारत में बहुत कम ही शैक्षिक संस्थाएं हैं जिसमें अफ्सा ने अपना अलग ही परचम लहराया हुआ है। इसी श्रृंखला में अफ्सा द्वारा प्रदत्त बालिका छात्रवृत्ति का चेक वितरण कार्यक्रम आज दिनांक 9 अगस्त 2024 को सिम्बोयजिया स्कूल आगरा में किया गया। आज सिम्बोजिया स्कूल की तरफ से अफ्सा गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप दी गई जिसमें जो स्टूडेंट्स ICSE और CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं उसमें 2 गर्ल चाइल्ड ये सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ये एक बहुत ही नोबल इवेंट है क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कोई भी फीमेल अपने करियर में ग्रेजुएशन तक के लिए सोचती है कि मुझे ग्रेजुएशन कहीं से करना है और एक इंस्टीट्यूट इस टाइप की स्कॉलरशिप को प्रमोट कर रहा है और उनको प्रोवाइड करा रहा है जिससे वो हायर एजुकेशन ले सकें। ये डेफिनेटली गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन की तरफ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव है। ये हम हर साल करते हैं स्कॉलरशिप का और ये 10-12 साल से कर रहे हैं और शायद ही मेरे जानकारी में हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं होता है जो इस तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है एक स्कूल लेवल पे। तो हमारी जो एसोसिएशन है अफ्सा वो जो है इस प्रोग्राम को करती है और 3 साल के लिए 8,000 रुपये के हिसाब से लड़कियों को स्कॉलरशिप देती है और इसमें ऐसे भी बच्चे हैं, हमने इंटरव्यू लिया, यही इंटरव्यू हुआ था, उसमें उनके 3 लड़कियां ऐसी थी जिनके फादर जो है ऑटो चलाते हैं। तो बड़ा फख्र हुआ हमें उन बच्चों पे कि देखिए वो फादर जो है ऑटो चला के और अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है और सही मायने में उनकी मदद हो रही है। कितने बच्चों को दी गई है? अभी 35 बच्चों को। गुप्ता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। अफ्सा का एक सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो होता है अफ्सा गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप जिसमें कि इस साल हमने 14 लड़कियों को चुना था 23-24 के और टोटल 35 बच्चों को हमने 8,000 रुपये के हिसाब से 2,80,000 रुपये आज वितरित किए हैं। जो लड़कियां इस साल चुनी गई हैं उनको अगले 2 साल हम और देंगे। हमारा पर्पज सिर्फ यही है कि किसी तरह से वो ग्रेजुएट हो जाए और 3 साल में वो ग्रेजुएट हो जाती है जिससे कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसमें मैं उन बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के जो हम लड़कियों को ऊपर ला रहे हैं वो आगे बढ़ेंगी और ख़ास करके आज डॉक्टर सुकन्या शर्मा जो ACP सदर आई उनको देख के उन लड़कियों का मोटिवेशन और बढ़ा और हमने उनको यही बताया कि कोई भी कुछ भी कोई बन सकता है सिर्फ आपने लगन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गर्ल चाइल्डशिप एक ऐसा अवार्ड है जिसको देते हुए हमें बहुत गौरव और सम्मान का अनुभव होता है। वो बच्चियां जो 12 कर रही हैं, हम लोगों का जो स्कूल का लेवल है वो मैक्सिमम 12 तक है, उसके बाद कोई भी मेरिटोरियस बच्ची धन के अभाव में हायर एजुकेशन से वंचित ना रह जाए ये हम लोगों का प्रयास है और अभी तक लगभग 200 बच्चों को अफ्सा अवार्ड दे चुका है, लगभग 48 लाख रुपए अफ्सा खर्च कर चुका है। इस बार हम लोग लगभग 35 गर्ल्स को ये अवार्ड दे रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ये बच्चे अपने समाज में एक स्थान मुकाम हासिल करें, गौरव बने हम लोगों का और हमें भी फख्र हो कि इन लोगों ने कुछ कीर्तिमान स्थापित किया और उसमें अफ्सा का भी कोई योगदान है इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए।